हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में मैं बहुत ही एक प्यारे से गीत का वर्षन बता रहा हूँ। थारे वास तेरे भोला नैन मेरे जागे रे जागे, ठीक है, इस गाने का नोरेशन बता रहा हूँ और ये बहुत ही प्यारा गीत है। और आइए इसको किस तरह से हारमोनियम पे बजाएंगे मैं उसका नोरेशन बताऊंगा आपको, बहुत ही स्लो में बताऊंगा। तो हमारे इस गीत का जो स्केल है, जो हमारे इस गीत का सा है वो ये होगा, ठीक है, जी शार्प, ये सा होगा, ये रे होगा, ये गा, ये मा, पा, धा, नी, सा, ठीक है, ये हमारा आरोह अवरोह होगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग होगा, इसलिए हमारा ये जो गीत है ये राग यमन में है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो आपको मिले और आपसे देखकर प्रैक्टिस करते रहे। सबसे पहले गीत शुरू होने से पहले म्यूजिक आता है, वो किस तरह होगा आइए पहले म्यूजिक देखते हैं फिर गीत पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा म्यूजिक बजा के दिखाता हूँ। ये म्यूजिक तीन बार बजेगा, ठीक है, पाम पा मा गा मा गा रे गा रे सा सा सा, पा मा गा रे गा रे सा सा सा, ठीक है, पा पा मा गा रे सा सा सा, पा मा गा रे गा रे सा सा सा, तीन बार, पा मा गा रे गा रे सा सा सा। मैं दो दो तीन तीन बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उसको बार बार जब सुनेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा ये म्यूजिक खत्म होगा उसके बाद कॉर्ड आएगा, ये सा गा और पा को दबा करके इस तरह आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा, थारे वास तेरे भोला, थारे पहले जो थारे होगा वो आएगा पापा पे, थारे थारे वास तेरे, थारे वास तेरे, वास्ते में होगा मा गा 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 मा मा, वास्ते में जो सरगम लगेगा वो होगा मा गा 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 मा मा, ठीक है, वास तेरे, वास तेरे, रे को भी उसी में ज्वाइन कर देंगे, वास तेरे थारे वास तेरे। और शुरू में पहले आप सोलो में बजाएं, बाद में स्पीड बढ़ाएं, तभी वो चीज उस तरह आएगी। ये उसका मेन मीटर है, मा गा 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 मा मा, ठीक है, भोला भोला मा गा गा, भोला भोला मा गा गा, थारे वास तेरे भोला मगागा, ठीक है। और ये लाइन दो बार, थारे वास तेरे भोला, थारे वास तेरे भोला, दूसरी बार जब थारे वास से आएगा तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, थारे वास तेरे भोला, थारे वास तेरे भोला। दूसरी बार में थारे जो थारे होगा वो होगा धा पापा, ये धा लेना है, थारे थारे धा पापा, वास तेरे, वास्ते वो सेम रहेगा, वास तेरे भोला भोला भोला, मा गा गा रे, अब यहाँ पे जो भोला है वो भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, भोला मा गा गा रे भोला,
मा गा गा रे नैन नैन मारे नैन मारे नैन मा गा सॉरी सारे रे नैन सारे रे मेरे नैन मारे रे रे नैन उसे मेरे होता है लेकिन वो वहां पे मारे बोला गया है नैन मारे नैन का सा रे रे और मारे का रे रे जागर जागे रे जागर जागे रेगा रेगा सा जागर जागे रेगा रेगा सा ठीक है नैन मार जागर जागे नैन मार जागर जागे अब दूसरी बार में ये जो नैन मारे जागे चेंज हो जाएगा पहली बार में नैन मारे जागर जागे ये पहली बार में दूसरी बार में नैन नैन सेम रहेगा सारे रे नैन मारे मारे भी ठीक रहेगा नैन मारे ये भी सेम रहेगा जागरे अब यहाँ पे जागरे चेंज हो जाएगा जागरे रे गामा जागरे रे गामा जागरे सारे सा सा सारे अब नैन जागे के बाद में जागरे सारी मा गा गा सा सारी रैन जागे सारे रे रे रैन जागे सारे रे रे अब दोनों लाइनें मैं आपको एक बार बजा के दिखाता हूँ नैन मेरे जागर जागे नैन मेरे जागर सारे रैन जागे इस तरह तुम्हारो कौन लागे तुम्हारो तू जो है पापे आएगा तू मारो मारो गा गा सा मारो कौन लागे सा 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 तुम्हारो कौन लागे सा 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 इस तरह अच्छा तुम्हारो कौन लागे ये चार तरह से बजेगा ये आपको ध्यान देना है अभी तो हमने ये पहला बताया आपको तुम्हारो कौन लागे ये पहली बार है दूसरी बार क्या होगा तुम्हारो तू फिर तू सेम रहेगा मारो ये भी सेम रहेगा तुम्हारो कौन लागे कौन 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 सारे रे लागे गा मा मा गा लागे गा मा 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 गा ये दूसरी बार है फिर से आप देखिए अभी मैं दो ही बार बता रहा तुम्हारो कौन लागे दूसरी बार तुम्हारो कौन लागे पा गा गा सा सारे रे सारे रे सारे रे गा मा 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 गा ये दो बार हो गया तुम्हारो कौन लागे तुम्हारो कौन लागे तुम्हारो कौन लागे ये दूसरी बार और उसके बाद जो तीसरी बार होगा
तो इसी बार फिर वही आ जाएगा जो पहली बार है, तुम्हारो कौन लागे पगगसा सा 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 सा। ये तीसरी बार हुआ। अब चौथी बार क्या होगा, तुम्हारो तुम्हारो कौन लागे तुम्हारो तुम्हारो कौन लागे रे सनी धा धानी नी नी धानी नी नी धानी तुम्हारो कौन लागे तुम्हारो कौन लागे। ये चौथी बार है, रे सानी धानी नी नी धानी। ये चौथी बार, और उसके बाद एक बार और आएगा, तुम्हारो कौन लागे नी सा गा गर सा 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 नी सा गा गर सा सा सा। ये तुम्हारो कौन लागे ये पांच तरह से बजेगा, ठीक है। अब पांचों बार मैं आपको बजा के दिखाता हूं। सरगम तो हमने आपको बता दिया, तुम्हारो कौन लागे तुम्हारो कौन लागे तुम्हारो कौन लागे तुम्हारो कौन लागे तुम्हारो कौन लागे। इस तरह से ये इतना हमारा ये बजेगा। इतना बजने के बाद में फिर छोटा सा एक आलाप नुमा आता है, हुंकार जिसको बोलते हैं। इसके बाद में फिर गायकी चेंज हो जाएगी। इसके बाद जो लाइन आएगी, तेरे वास्ते तेरे सजना नैन मेरे जागर जागे, ये लाइन आएगी यहाँ पे। फिर तेरे वास्ते जो पहले था तेरे वास्ते रे भोला, अब यहाँ पे आएगी तेरे वास्ते रे सजना। तेरे वास्ते तेरे तेरे वास्ते पहले की तरह बिल्कुल सेम रहेगा, तेरे पापा वास्ते तेरे माँ गा 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 मामा, ठीक है। तेरे वास तेरे सजना सजना मागा गासा नैन मेरे सारे रे 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 जागर जागर जागे नैन मेरे सारे रे 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 जागर जागर रेगा जागर रेगा जागे गा गरे सा। दूसरी बार जो जागे होगा उसमें गा गरे सा, नैन मेरे जागर जागे, इस तरह। यहाँ पे भी जैसे अभी हमने लिया, नैन मेरे जागर जागे, दूसरी बार नैन मेरे जागर सारी सारी रैन जागे। यहाँ पे ये दूसरी बार इस तरह से आएगा, नैन मेरे इतना तो सेम, सारे रे रे जागर जागर रे गामा सारी 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 मागा गासा रैन जागे सारे रे रे रैन जागे सारे रे रे तुम्हारा कौन लागे तुम्हारा कौन लागे। ये पांचों बार बिल्कुल उसी तरह बजेगा, तुम्हारा कौन लागे तुम्हारा कौन लागे तुम्हारा कौन लागे तुम्हारा
पीछे पीछे आप बजा चुके हैं 5 बार, बिल्कुल सेम तुम्हारा कौन लगे ये जहां जहां भी गाने में यूज होगा वो 5 बार ही यूज होगा, ठीक है। जिस तरह मैं फिर से एक बार बताता हूं आपको, तुम्हारा कौन लगे पहला, दूसरा तुम्हारा कौन लगे, तीसरा तुम्हारा कौन लगे, चौथा तुम्हारा कौन लगे, पांचवा तुम्हारा कौन लगे। इस तरह हमारा ये स्थाई खत्म होगा, ये अभी स्थाई हुआ है, खाली मुखड़ा जिसको बोलते हैं। पूरा गीत तो ये काफी बड़ा गीत है और अभी फिलहाल आपको इतना ही प्रैक्टिस करना, इसके बाद म्यूजिक आएगा और म्यूजिक के बाद में फिर अंतरा आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट ही आपका काफी बड़ा बन गया है, तो सबसे पहले इतने को आप अच्छे से तैयार करें, जब इतना तैयार हो जाए फिर हम चलेंगे आगे, आगे का म्यूजिक और अंतरा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको सीखना है तो आप क्लास ज्वाइन करें, मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती है व्हाट्सएप पर, वीडियो कॉल से और वीडियो ट्यूटोरियल से दोनों से ही होती है, तो आप चाहें तो कोई भी क्लास ज्वाइन करके और आप घर बैठे सीख सकते हैं। अभी तो देखो हमने नोटेशन बताया, आप इसको देखकर बजा लेंगे, जिस स्केल में बताया उसमें बजा लेंगे, लेकिन हर तरह से हर जगह से नहीं बजा पाएंगे, तो उसके लिए आपको प्रॉपर अगर अच्छा मास्टर बनना है, स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह करनी है, तो फिर आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा, तभी आप हर चीज को समझ पाएंगे और तभी आप अच्छे से उसको निभा पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।